दुनिया वालों से उम्मीदें इंसानों वाली रखा करो, फरिश्तों वाली नहीं। तीन चीज़ों से आफत आती है, हराम देखना, हराम खाना और हराम ख्वाहिश पूरी करना। जब इंसान सोचता है तो अल्लाह पाक खुद ही रास्ता निकाल देता है और मुश्किलों को आसान कर देता है। जब अंदर तक गहराई खामोशी छाई हो तो बाखुदा खामोशी के सवा हर आवाज़ तकलीफ देती है। जो लोग सब्र रखते हैं या तो वो जीत जाते हैं या फिर सीख जाते हैं। दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते, दरिया खुद अपना पानी नहीं पीते। पता है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए जीना ही असल ज़िंदगी है। कदर तो वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वाले को काबिल इंसान समझते हैं, जबकि हकीकत में काबिल वो है जो अच्छा सोचे और अच्छा बोले। ज़ख्म खाना बड़ी बात नहीं, ज़ख्म खाकर मुस्कराना बड़ी बात है। सबसे ख़तरनाक नाराज़गी वो होती है जिसमें आप कभी उस शख्स पर जताते नहीं कि आप नाराज़ हैं। नाश्ते से पहले अंगूर खाने से चेहरे का रंग सफ़ेद हो जाता है। इंसान के रिज़्क में तंगी की तीन वजूहात। नंबर एक, दस्तरख्वां पर बेजा गुफ्तगू करना। नंबर दो, अल्लाह की नाफरमानी करना। नंबर तीन, और नमाज तर्क करना। अपनी ज़िंदगी का सादा सा असूल बना लो, जिसकी मदद कर सकते हो करो और जज़ा अल्लाह पर छोड़ दो। उससे ज़्यादा फ़ायदे वाला बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं। कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल दुखाना है, चाहे वो मोमिन का हो या काफिर का। जब दर्द हद से बढ़ जाता है तो इंसान रोता नहीं, खामोश हो जाता है। ज़िंदगी में मिलता तो बहुत कुछ है, बस हम हिसाब उसी का रखते हैं जो ना मिल सका। अकड़ अगर इंसान को ना भी गिराए तो अकेला ज़रूर कर देती है।